नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम है सुमी राजपन। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। और आज के इस एपिसोड में हम इसी चीज़ का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से हर बार ये सिनेरियो देखने को मिलता है कि जब टिकट की सूची निकलने लगती है, जब सूची निकले तो जाहिर सी बात है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने सारे ही कैंडिडेट्स को जो उस सीट के लिए ट्राई कर रहे थे उनको सेटिस्फाई करना मुश्किल होता है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप सबको सेटिस्फाई करें, आप सबको खुश रखें। लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम किए रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, होपफुल रहते हैं कि उनकी टिकट नहीं कटेगी, लेकिन तब भी कट जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में ऐसे कई हम रेबेल लीडर्स को देख रहे हैं जिनको टिकट ना मिलने पर वो काफ़ी ज़्यादा अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी इस रेस में पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी कुल ऐसे 8 से 9 नाम हैं जो बीजेपी कांग्रेस दोनों से काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनकी टिकट काटी गई है। अगर हम ऐसे कुछ नामों की बात करें तो कांग्रेस की, अगर हम बात करें तो कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 8 ऐसे सिटिंग MLAs की टिकट को काटा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने 13 के 13 सिटिंग MLAs को रिटेन किया है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी इंटरनल सर्वे को सीरियसली लिया। 40% MLAs के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उन्होंने अपने पहली सूची में 8 ऐसे सिटिंग MLAs है जिनकी टिकट काटी। उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। हमारे पास ये लिस्ट है। पंडरिया में अगर हम बात करें तो ममता चंद्राकर की टिकट काटी गई है क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी, उनके बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी उनके अगेंस्ट, वो बिल्कुल अपने क्षेत्र में एक्टिव नहीं थी और इसी वजह से उस सर्वे में उनका नाम काफ़ी एक वीक कैंडिडेट की तरह उभरा। और क्योंकि भेंट मुलाकात लगातार भूपेश बघेल लगातार जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो हर एक क्षेत्र पर जाकर कर रहे थे, तो उसके जरिए भी उन्हें अपने लोकल कैंडिडेट्स के बारे में काफ़ी जानकारी वो जुटाते चले गए और उसकी वजह से ममता चंद्राकर एक ऐसा नाम निकल के आया जो काफ़ी वीक था। तो पंडरिया में उनको नहीं दिया गया है, किसी और को इनफैक्ट पंडरिया में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। नवागढ़ की बात करें तो गुरु दयाल बंजारे की टिकट कटी है और नवागढ़ में गुरु रुद्र कुमार को उतारा गया है क्योंकि वो अहिवारा से ना लड़ के इस बार नवागढ़ से लड़ रहे हैं। सतनावी समाज का सपोर्ट और वोट बैंक नवागढ़ में बहुत ज़्यादा है, तो गुरु रुद्र कुमार वहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अहिवारा से उनकी सीट बदल के नवागढ़ दे दी गई है। ये कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। चित्रकूट से बात करें तो राजवान बेंजम की टिकट काटी गई है और PCC चीफ और सिटिंग MP दीपक बैज को दिया गया है वो टिकट। और इनफैक्ट ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बीजेपी ने भी अपनाई है, अपने सिटिंग MPs को टिकट दिया है, कांग्रेस ने भी ये अपनाया ताकि सिर्फ और सिर्फ चित्रकूट में ही ना, हंसते ही आसपास के जो लोकल एरियाज हैं उनमें भी एक अच्छा सेंटिमेंट जाए, और यही एक स्ट्रैटेजी थी जो बीजेपी ने भी अपनाई और कांग्रेस भी अपनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी ने एक टिकट एक की काटी है और वो है डमरूधर पुजारी जो नवागढ़ से लड़ रहे थे और उनकी टिकट काट के किसी और को दी गई है। इनफैक्ट खुशवंत साहेब इस बार बीजेपी से एक न्यू एंट्रेंट है और कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिनेरियो है यह हर बार आपको इलेक्शन के बाद देखने को मिलेगा, इलेक्शन के पहले आपको देखने को मिलेगा, पोलिंग से पहले जब टिकट वितरण होता है तो हर कोई डिसेंट, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, वॉइस ऑफ रेबेलियन वो हर जगह से आने लगता है। अभी लास्ट मंथन चल रहा है दोनों पार्टियों में और इनफैक्ट एज वी स्पीक कांग्रेस की CEC बैठक चल ही रही है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, डिप्टी CM TS सिंहदेव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आखिरी मंथन चल रहा है, लगातार बताया जा रहा है कि आज रात या कल सुबह कांग्रेस की दूसरी सूची आ सकती है और ये फाइनली ये जो जितने भी ये डिस्प्लेजर है ये और धीरे धीरे बढ़ेगा, जिस तरह से लिस्ट बाहर आएगी उस तरह से धीरे धीरे ये वॉइस ऑफ रेबेलियन और भी सुनाई देने को पड़ेगा। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, हर बार हर किसी को खुश करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए संभव नहीं है, तो इसलिए ये जो है एक नॉर्मल सिनेरियो है, लेकिन ये राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर, तब तक मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जोहार।